तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डॉक्टर्स में आपका वेलकम है। तो दोस्तों आज का ट्यूटोरियल है सब दिन से अलग और बहुत ही ज्यादा गजब का ट्यूटोरियल है दोस्तों। अगर इस ट्यूटोरियल पे अगर आप काम करेंगे तो आपका वीडियो वायरल तो होगा ही होगा, प्लस आपका सब्सक्राइबर बहुत तेजी से गेन होगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो पे सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा गेन होता है। दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और प्यारा सा कर दें कमेंट्स, क्योंकि ऐसे ही मैं VFX ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे पिछली वीडियो का हमारे कमेंट्स विनर कौन है। तो देखिए हमारे यहाँ पे कमेंट्स विनर आ रहे होंगे, तो आपको इनको मेरी कम्युनिटी पोस्ट में जाके सपोर्ट करना है। मैंने इनको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों सबसे पहले आपको वीडियो को शूट करना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमने वीडियो को शूट कैसे करना है। वीडियो शूट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका फोन ट्राइपॉड पे होना चाहिए, यानी कि स्टेबल होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको कुछ वीडियो को शूट करना है, यानी इस तरीके से एक्टिंग करना है। जब आप इस तरीके से एक्टिंग कर लेंगे, फाइनल वीडियो हमारा इधर चल रहा होगा, इस तरीके से आपका फाइनल वीडियो बनेगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे एडिटिंग की ओर काइंड मास्टर में। चलिए दोस्तों काइंड मास्टर को हमने यहाँ से ओपन कर क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो ले क्रिएट करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पे अपना वीडियो को लेके आते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे वीडियो आ गया है, यानी वीडियो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होगा। आगे कैंची में जाके ट्रिम लेफ्ट करेंगे, आगे का पार्ट कट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ फ्रेम में हमारा क्या हुआ था, कुछ पीछे बैकग्राउंड जो ज़्यादा सूट हो गया है, यानी कि इसको हमने पैन जूम पे जाके इसको पहले से हमने ऐसे सेट कर लेना है। ठीक है, ये हमने ऐसे सेट कर लेने के बाद में इसको बराबर कर देना है, जिससे कि हमारा वीडियो इधर उधर ना हिले। देखनी आपका वीडियो कहाँ पे एंड होगा, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखिए आपका ये वीडियो आपका एंड हो है। इस वीडियो को कैंची में जाके आगे का ट्रिम राइट कर देना है, आगे का पार्ट कट कर देना है। अब देखिए इस वीडियो में हमें करना क्या है, यहाँ पर स्पीड को बढ़ा लेना है, यानी कि इसकी स्पीड हमें 1.4 कर लेनी है या 1.5 कर लेनी है, 1.4 कर लेते हैं हम यहाँ की। तो इसकी लेंथ भी थोड़ी कम हो जाएगी और फास्टिंग हो जाएगी थोड़ी वीडियो, और हमने अब इसको एडजस्टमेंट में जाके एडजस्ट कर लेना है स्टेप से, ताकि हमारा वीडियो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। क्वालिटी इसकी मैनेज कर लेनी है आपको स्टेप से। तो हमने अभी थोड़ा सा, मैं रफली बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, स्टेप से आपने कर लेना है। अब आपने जो PNG इमेज लेनी है वो कहाँ से लेनी है, तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, इमेज सर्च। ये एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पे आप जो भी सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बजरंगबली को सर्च करता हूँ, बजरंगबली यहाँ पे हम डालेंगे PNG इमेज, यहाँ पे आपको डालना है स्टेप से। तो आपको यहाँ पे बजरंगबली की बहुत सारी इमेज मिल जाएंगी। अब आपको देखिए मैंने ये वाली इमेज यहाँ से डाउनलोड कर रखी है, ये वाली इमेज है। अब जैसे मान लीजिए ये वाली इमेज आपको PNG में नहीं मिल रही है, तो आपने सिंपल से इसको डाउनलोड कर लेना है, और इसको PNG बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रोम में आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है रिमूव तस्वीर अपलोड का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ से आपको बजरंगबली को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे बजरंगबली आपके PNG में आ जाएंगे। देखिए स्टेप से आपके PNG में हो गए, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको करना क्या है, बैकग्राउंड इरेजर एक एप्लीकेशन आपको ये भी प्ले स्टोर में मिल जाएगा आसानी से, इस पर आना है, लोड एंड फोटो पे क्लिक करना है, और जो बजरंगबली जी आपने अभी PNG में बनाए थे उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे आपने इतना क्रॉप कर लेना है, या आपने ऐसे क्रॉप किया, आगे डन किया, इनको सेव कर लिया। अब आपको फिर लोड एंड फोटो पे क्लिक करना है, अब आपने फिर बजरंगबली को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डन करना है, और यहाँ पे अब आपको मैनुअल तरीके से इस तरीके से आपको मैनुअल तरीके से कर लेना है, और ऊपर गर्दन को इस टाइप से आपको, ठीक है, इस टाइप से आपने इसको कर लिया, इनको आपने डन किया, इनको भी सेव किया। अब आपको फिर लोड एंड फोटो पे आना है, और फिर बजरंगबली को ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पे गर्दन को आपको निकाल लेनी है, ये हमने ऐसे गर्दन को निकाल लेना है, इनको भी सेव कर लेना है। फोटो पे आना है, फिर से आपको बजरंगबली पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको केवल करना है क्या है, केवल आपको गर्दन को यहाँ से रिमूव करना है, केवल गर्दन रिमूव कर लेंगे और डन करके सेव कर लेंगे। इसके बाद अब आपने फिर से आ जाना है काइंड मास्टर में। अब आपको यहाँ पे जैसे फल वाले हो गए, राक्षस हो गए, ये सब आपको इमेज सर्च में ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं मिले तो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा सारी चीज़ें, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, खाने वाले कुछ आइटम लेके आएंगे जी। हमने सबसे पहले अनार को ले लिया है, अब यहाँ पे हमने अनार का इस तरीके से थोड़ा सा छोटा करना है, ऊपर ले जाना है, और यहाँ पे अनार का सीन कहाँ तक है, जैसे हमने यहाँ से इतना देखना ध्यान से,
यहाँ जैसे हमने मुंह को इस टाइप से खोला है तो यहाँ इस अनार की लेंथ को आपने यहाँ तक करनी है और थोड़ा सा पीछे आना है इस टाइप से और यहाँ पे चाबी वाला आइकन यानी प्लस करके अनार को इस टाइप से लाना है और लाने के बाद फिर इसके एंड में आना है इसकी लेंथ के और इसको अनार को थोड़ा छोटा करेंगे और अपने मुँह पर इस टाइप से सेट करेंगे और यहाँ पर आपको आउट एनिमेशन में जाना है, फेड पर क्लिक करना है और इसका साइज बंद कर देना है। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से दिखाई देगा, ये देखिए। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, अब आपने यहाँ पे पंच किया है तो हम फिर से जाते हैं, कीड़ा ले लिया, ये ले लिया हमने कीड़ा और इसको हम ऐसे ऊपर ले गए और जैसे हम देखिए हम यहाँ पे पंच करेंगे और यहाँ पे पंच करेंगे तो यहाँ पे कीड़े को हमने करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पे पंच करना है तो यहाँ तक रुकना है, प्लस करना है, कीड़े को आपने इस टाइप से लेके आना है। ठीक है, और जैसे अब आपको यहाँ पे पंच करना है तो जैसे आपने यहाँ पंच किया है ध्यान है यहाँ पे की लगा देनी है और जैसे आपने यहाँ पे देखिए पंच को ये देखिए कर दिया है तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के प्लस करके इसको ऐसे कर देना है। अब हमारे यहाँ पे बजरंगबली जी आएंगे तो हमने यहाँ पे आना है, जैसे कीड़ा हमारा यहाँ तक आ गया है तो लेयर में जाके मीडिया में जाना है, जो हमने नीचे वाला धड़ कट किया है उसको हम सबसे पहले लेके, अब देखिए हमारे यहाँ पे बजरंगबली जी आ गए हैं तो अब बजरंगबली को हमने ऐसे ऊपर ले जाना है और इसकी लेंथ आपको कहाँ तक रखनी है उस चीज़ को देखना है। तो यहाँ पे आपको आना है, जैसे आपने पहला धड़ वाला आप यहाँ पे पहला रखेंगे, सेकंड वाला आप सेकंड वाला आपने ये देखिए यहाँ पे आपने इस टाइप से यहाँ पे वीडियो को पाउच करना है यानी कि स्प्लिट कर देना है यहाँ पे। तो इसकी लेंथ आपको कहाँ तक रखनी है, यहाँ तक ही रखनी है यानी यहाँ तक आपको कर लेनी है इसकी लेंथ, ये देखिए आपकी यहाँ तक लेंथ हो गई है। अब यहाँ पर आप बजरंग बली को ऐसे नीचे लाएंगे, जैसे हमारा कीड़ा यहाँ तक आ गया है तो यहाँ पे हमने प्लस करना है और बजरंगबली को इस टाइप से नीचे करना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और जैसे फिर हम ऐसे हाथ किए हैं तो बजरंगबली को हम यहाँ तक ऐसे लेके आएंगे। ठीक है, फिर हमने ऐसे करना है, फिर हमने ऐसे बजरंगबली को अपने हाथ के अनुसार ट्रैक करना है, फिर ऐसे करेंगे, करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे हल्का सा, जैसे हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया तो बजरंगबली को हम यहाँ पर ऐसे सेट कर लेंगे। बजरंगबली को हमने यहाँ पर ऐसे सेट किया, अब यहाँ पे एक हमने पंच किया, दो पंच किए, तीसरा हमने खाया तो हम यहाँ पे जैसे बजरंगबली जी हमारे यहाँ पे आ गए हैं इस टाइप से तो यहाँ पे हमें लेयर में जाना है और राक्षसों को लेके आना है। हमने ऐसे किया और यहाँ पे ऊपर ले गए और यहाँ पे हमने राक्षस को ऐसे प्ले करके ऐसे लाना है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ना है, ऐसे करना है, अब यहाँ पर देखिए ये आपने पंच किया है तो हम यहाँ पर राक्षस को ऐसे लेके आएंगे और यहाँ पे जैसे आपने ये पंच कर दिया ये देखिए यहाँ पे की लगाएंगे, हल्का सा प्लस करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारा राक्षस इस टाइप से दिखाई देगा, ये देखिए। अब यहाँ पे दूसरा राक्षस को हमें आना, जैसे हमारा राक्षस ये यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे लेयर में जाना है, दूसरे वाले राक्षस को हमें ले आना है, लिया इसको हमने थोड़ा बड़ा किया और इसको हम ऊपर ले गए और जैसे हमारा राक्षस ये यहाँ पर आ गया तो हमने इसको ऐसे करना है और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इसको हमने ऐसे लेके आना है और यहाँ पे जैसे हमने पंच किया एक की लगा देनी है, यहाँ पे की लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको ऐसे कर देना है तो ये आपका स्टेप से मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा खाने वाला सीन है तो ये राक्षस हमारा यहाँ आ गया तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, यहाँ पे लॉलीपॉप को लेके आ गए, अब हमने इसको ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब लॉलीपॉप को आपको कहाँ तक रखना है, देखिए जहाँ तक आपने मुँह को खोला है तो यहाँ तक आपने रखना है इसका साइज। ठीक है, और इसकी लेंथ आगे थोड़ी बढ़ा लेंगे, इस टाइप से कर लेंगे तो यहाँ तक जैसे राक्षस आया यहाँ पे प्लस करेंगे, लॉलीपॉप को ऐसे लेके आएंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस टाइप से करेंगे, पीछे आके प्लस करेंगे और जैसे हमने मुंह को खोला तो इसको हम ऐसे लेके आएंगे लॉलीपॉप को और थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और अपने मुँह पर ऐसे सेट कर देंगे। यहाँ पर आउट एनिमेशन में जाएंगे, फेड पर जाएंगे और इसका साइज बंद कर देंगे। अब हमारा सेकेंड धड़ आएगा यहाँ पर तो यहाँ पे जैसे लॉलीपॉप यहाँ आ गया है तो हमने लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, अब बीच वाला हमको यहाँ पे धड़ लेके आना है, ये वाला हमने यहाँ पे इसको ले लिया है तो इसका साइज भी हमें यहाँ तक ही रखना है जहाँ तक हमने कट किया है, यहाँ तक हम रखेंगे इसका साइज। ये धड़ पे आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे और यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, प्लस करेंगे, धड़ को ऐसे ले कर आएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर धड़ को ऐसे ले कर आएंगे, ठीक यहाँ पे आपने हाथ लगा दिए हैं यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने ऐसे किया तो इस दौड़ को ऐसे लाएंगे, ठीक है, अपने हाथों के अनुसार और यहाँ पे लास्ट में आके इसको ऐसे सेट कर देंगे, मैच कर देना है। और यहाँ पे अब आपको लेयर में जाना है
और आपने जो बीच वाला जो गर्दन वाला निकाला था ये वाला आपको ले आना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको पहले सेट कर देना, यानी इनसे मैच कर देना है, इसे मैच कर देना है, जिससे कि अब आप यहाँ पे जैसे हाथ के द्वारा इसको ऐसे सेट करेंगे तो ये आपका स्टेप से मैच हो जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, खाने वाला सीन है तो यहाँ पे आप कोई खाने वाला एक आइटम ले आएँ, यहाँ लेयर में जाएँ, मीडिया में जाएँ, यहाँ पे राइस को ले लिया है, ये राइस ले लिया है, इसको हमने ऐसे ऊपर करना है। अब हमने देखना कहाँ, जहाँ हमने मुँह को ऐसे खोलेंगे, ये देखिए ये हमने मुँह को खोला, तो इसकी लेंथ हमें राइस वाले की लेंथ यहाँ तक करनी है, स्टेप से राइस को ऊपर ले जाना है और स्टेप से आगे बढ़ना है, प्लस करना है, राइस को ऐसे लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप ऐसे मुँह को करेंगे तो राइस को आपने यहाँ पे लाना है, थोड़ा पीछे रोक के स्टेप से, और जैसे अब आप मुँह को ऊपर करेंगे राइस को ऐसे करना है छोटा, अपने मुँह पे ला के ऐसे सेट करना है, आउट एनिमेशन पे जाना है, फेड पे क्लिक करना है, इसका साइज भी बंद कर देना है। अब आपको दो राक्षस यहाँ पे ले आने हैं, जैसे आपका राइस यहाँ पे आ गया, लेयर में जाओ, मीडिया में जाओ और दो राक्षसों को यहाँ पे सिलेक्ट, राक्षस ले लिया, इस टाइप से हमने इसको ऊपर किया और यहाँ पे ऐसे की लगाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ के राक्षस को ऐसे लेके आएंगे तो, और यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे राक्षस को और आगे लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने पंच किया है, ये देखिए जे आपने पंच किया, तो यहाँ पे आपने की लगानी है दूसरी और थोड़ा सा आगे बढ़ के राक्षस को ऐसे कर देना है। राक्षस यहाँ आ गया तो आपने फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, राक्षस को ले आएँ या किसी एनिमल को ले आएँ, तो जैसे मैं कोई भी चीज़ आप कहीं भी लगा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं मैंने जो चीज़ आपको जहाँ लगाई वहीं लगा के दिखाऊँ, कोई भी चीज़ आप कहीं लगा सकते हो। तो इसको आपने क्लिक करना है, इसको आपने मेडअप को ऐसे लाना है और यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ऐसे पंच करेंगे तो यहाँ पे आपको की लगानी है, थोड़ा सा आगे बढ़ के और मेडअप को ऐसे कर देना है। आपने गर्दन को कहाँ जहाँ मैच करना है, देखिए गर्दन आपकी यहाँ पे मैच होगी, ये देखिए, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है वीडियो को। स्प्लिट करने के बाद जो आपने की लेंथ आपको यहाँ तक कर देनी है ये आपकी। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे आपका ये मेडक यहाँ पे आया है, आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जो आपने गर्दन को निकाला है वो गर्दन आपको यहाँ पे लेके आनी है। हमारी देखो अब गर्दन आ गई, तो गर्दन वाली की लेंथ हमें यहाँ तक करनी है जहाँ तक हमारी ऊपर वाली लेंथ है, तो इस दोनों को हमने बराबर करना है। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये मेडक यहाँ पे आया तो गर्दन को ऊपर करनी है, यहाँ पे प्लस करके गर्दन को ऐसे लेके आना है और अब आपको ऐसे बढ़नी है। अब जैसे आप हाथ ऊपर करेंगे तो अपने हाथों के बीच में ऐसे सेट करना है और यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे लाना है, ठीक है, और यहाँ पे अपने हाथों के साथ में ऐसे सेट कर देना है, ठीक है। जब आप ऐसे सेट करेंगे यहाँ पे आपको अब करना क्या है, तुरंत मीडिया में जाना है, लेयर में जाके और आपने पूरे हनुमान जी को ले लेना है और यहाँ पे इन वाले बजरंग वाली से आपको सेट कर देना है और इनकी लेंथ अब आपको वीडियो के बराबर कर लेनी है इस टाइप से। तो आपने यहाँ पर पीछे हनुमान जी के चक्री दिखानी है तो आप लेयर में जाओ, मीडिया में जाओ और यहाँ पे आप चक्री को ले लो, ये मान लीजिए हमारी चक्री आ गई है पीछे, तो हमने इसको सबसे पहले क्रोमा की में जाके क्रोमा की को रिमूव कर देना है और यहाँ पे सेट करना है हनुमान जी के बीच में और थ्री डॉट पे जाके इसको सेंड टू बैक कर देना है, तो ये हमारी चक्री हनुमान जी के स्टेप से पीछे चली जाएगी। इस स्टेप से इसकी लेंथ आपको वीडियो के बराबर कर लेनी है लास्ट में आके। अब यहाँ पे देखिए एक सीन और है खाने वाला, तो आप यहाँ पे जैसे खाने वाला, तो जैसे गर्दन यहाँ पे आ गई, लेयर में जाएं, मीडिया में जाएं और एक जी हम स्ट्रॉबेरी को लेके आ गए हैं, तो स्ट्रॉबेरी की लेंथ अब आपको कहाँ रखनी है पहले ये चीज़ देखना है। जैसे आपने यहाँ पे ऐसे मुँह को खोला तो यहाँ इसकी लेंथ आपको यहाँ कर देनी है, ऊपर करना है और यहाँ पर जैसे आप मुँह पर खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस लगा के स्ट्रॉबेरी को ऐसे लाना है, ठीक है। और आप जैसे मुंह खोलेंगे तो आपने स्ट्रॉबेरी को ऐसे छोटा करके अपने मुंह पे सेट करके आउट एनिमेशन पे जाके फेड पे जाके नंबर एक कर देना है। यहाँ पे लेयर में जाना है, भगवान जी वाले दो इमेज ले लेनी है, हमने ये दो इमेज ले ली हैं, अब इनको हमने साइज ऐसे छोटा करना है, पहले सेट कर लेना है और ये हमारे महादेव जी वाली है, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस टाइप से, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा रफली बताया इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ है और हनुमान जी भी बहुत छोटे हो गए हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर लें, ठीक। इन दोनों की लेंथ आपने वीडियो के बराबर करनी है इस टाइप से। करने के बाद अब आपने शुरू में आना है यहाँ पे और यहाँ पे इनको ऊपर ले जाना है, यहाँ पे की लगानी है
और इनको यहाँ पे लाके ऐसे सेट कर देना है। ठीक, सेम की आपको महादेव वाली पे भी लगानी है। महादेव जी को पहले ऊपर ले जाना है, यहाँ पे प्लस करना है, महादेव जी को यहाँ पे लाके सेट कर देना है। तो ये स्टेप से आपका वीडियो बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये दोस्तों फाइनली वीडियो हमारा बन गया है। अब यहाँ पे केवल आपको म्यूजिक ऐड करने हैं, साउंड वाले हो गए, इफेक्ट वाले हो गए, जो भी है आप म्यूजिक ऐड कर लें। म्यूजिक सारे मैंने टेलीग्राम पे दे रखे हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो, आज का इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा और आप इस तरह का वीडियो आराम से बना लेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर कर लें प्रेस, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।